अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शर्जुन खान एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू टुडे हाउ टू ट्रिम अ वीडियो और कैसे आप बीच में से अगर आपको कोई क्लिप डिलीट करनी हो वीडियोस में से कैसे कर सकते हैं. सो वील फर्स्ट गो टू गूगल एंड वील सर्च फॉर डैशबोर्ड, यूट्यूब डैशबोर्ड एंड देन अगर ऐसे करने के बाद आपको चैनल डैशबोर्ड दिख जाता है यूट्यूब का आपके, और उसके बाद आपको जाना है वीडियोज़ में. उसके बाद आपको जो पर्टिकुलर वीडियो में एडिट करनी है वो वीडियो आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट आपको ऐसा जब ओपन हो जाएगा तो आप एडिटर में क्लिक करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख सकते हो आप एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रिम का. आप लोगों ने जहाँ से आप ये चाहें तो कर्सर घुमा सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली ट्रिम पे क्लिक करना है, क्लिक कर सकते हो, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपने कर्सर या जो लाइन है उसे मूव करनी है टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ से आप लोगों को ये वीडियो स्प्लिट करके डिलीट करनी है. तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है और मुझे यहाँ से वीडियो नहीं चाहिए. ठीक है, तो अब इसके बाद मैं करूँगी स्प्लिट पे क्लिक, तो वीडियो मेरी यहाँ से स्प्लिट हो गई. ठीक है जी, अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए जहाँ तक मुझे वीडियो डिलीट करना है. तो मैं सेलेक्ट करूँगी दूसरा पार्ट जहाँ तक मुझे वीडियो नहीं चाहिए. तो समझ लीजिए मैं बीच में जो भी मैंने इसका दिखाया था पार्ट ऑफ दिस प्लेस फिनिक्स मॉल का जो मैंने पार्ट दिखाया था वो मैं डिलीट करना चाहती हूँ. तो मैं यहाँ तक डिलीट कर लूँगी और फिर उसके बाद वापस से एक स्प्लिट मारूँगी, स्प्लिट लाइक लाइन मारूंगी. ठीक है, अब मैंने जो दोनों स्प्लिट किया है उसके ऊपर अब जी जो एरिया मुझे डिलीट करना है वो इस तरीके से मैं फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन तक ड्रैग करूंगी तो वो एरिया ग्रे हो जाएगा और वही पार्ट हमारा डिलीट होगा. तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल में आफ्टर सेविंग दिस वीडियो हाउ इट विल लुक. तो मैं वापस एक बार ड्रैग करके पीछे की तरफ, ये ट्रिम का लाइन है जो मैं उसे पीछे की तरफ करके आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है. ये देखिए, ये डायरेक्ट वहाँ पर सेकेंड वो बीच का जो ग्रे एरिया था वो प्ले नहीं हुआ वीडियो में और बाकी प्ले हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी वांट. इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एडिट, आप जाकर वापस से स्प्लिट का जो लाइन है उसे थोड़ा सा आगे खींच सकते हैं जहां तक आपको चाहिए हो, तो वो एरिया भी ग्रे हो जाएगा. और उसके बाद आप वापस से प्रीव्यू चेक कर सकते हो प्ले करके कि कैसा दिख रहा है. एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट then you can just go ahead and save it. तो मैं सिर्फ एक लास्ट बार चेक कर रही हूँ बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और आई थिंक आई एम डन विद इट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो नाउ सेव इट. तो मैं ये प्रेस करती हूँ सेव का बटन. अब यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि व्यूअर्स विल सी द करेंट वर्जन ऑफ दिस वीडियो, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अदर चेंजेस टू द वीडियो. तो ये एक बार में ये वीडियो होता है चेंजेस जो आप फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर वीडियो को एडिट कर सकते हो. इसके बाद आप जब करोगे एडिट तो उसके बाद वो सेव एज न्यू होता है, आप उसी वीडियो को दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है वीडियो इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड प्लीज चेक बैक लेटर. तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक आप वीडियो एडिट होने में टाइम लगता है. तो जी हमारा वीडियो हो गया है सेव और एडिट हो चुका है. ये पहले देखिए ये कुछ 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो था, अब ये पहले 3.5 मिनट के करीब का वीडियो था, अब ये है 2 मिनट्स 58 सेकेंड्स का वीडियो. तो इसका मतलब ये एडिट हो चुका है. अगर इसे वापस से हम लोग प्ले करेंगे तो अभी हमें नॉर्मल वाला दिखेगा, अब यहाँ पे कोई ग्रे एरिया नहीं है. तो मैं आपको चेक करा देती हूँ ज़रा कि आप लोगों को मैंने क्या एडिट करके दिखाया था. मैं दबा रही हूँ प्ले बटन और उसके बाद आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे मॉल में आए थे, थोड़ा सा फोटो शूट करने लग गए हम लोग और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल कर के थोड़ा सा फ्लोर पे देखने लगे कुछ अगर है. तो हम लोग पहुँच गए डी मार्ट और मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने क्या खरीदा.
देखिए तो अब जो बीच का वीडियो का पार्ट था वो डिलीट हो चुका है जो ग्रे हुआ था, दैट मीन्स हमारा वीडियो बराबर एडिट होकर सेव हो चुका है। एंड आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू एवरीवन। नाउ यू कैन सी जो हमने वीडियो एडिट की है वो 2 मिनट्स 58 सेकंड्स की है, उसका पब्लिश डेट चेंज नहीं हुआ है और वीडियो का व्यूज़ भी कम नहीं।